अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल व हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के निर्देशानुसार महंगाई को लेकर लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेता प्रेम सचदेवा ने कहा कि आज के समय में आम आदमी कोरोना महामारी से परेशान है, ऊपर से इतनी बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता परेशान हो चुकी है। वहीं कांग्रेसी नेता धर्मपाल गुप्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार को जो व्यक्ति चला रहे हैं अंबानी और अडानी केवल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बाकी सारा कार्य तो यह दोनों ही कर रहे हैं। महंगाई रोजाना बढ़ती जा रही है जैसे घर का बजट बिगड़ रहा है। युवाओं को न तो रोजगार दिया जा रहा है और न ही युवाओं की ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है, बस सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। महंगाई की विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस समय पूरे देश की जनता को डबल मार पड़ रही है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा और दूसरा बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल सरकार 200% झूठ बोल रही है, कोई रोजगार किसी को नहीं मिला, उल्टा रोजगार छीने जा रहे हैं। आपके आप भी मीडिया में हो, आपके पास भी सारा रिकॉर्ड होगा। बजाय 2 करोड़ नौकरी देने के इन्होंने 30 करोड़ लोग बेरोजगार कर दिए हैं और इसके अलावा उद्योग धंधे भी बंद कर दिए हैं। महंगाई की मार से लोगों के पास काम ही नहीं है और जनता पूरी बहुत परेशान है। आज पूरे देश में हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी और हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी का आदेश है कि हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, हर ब्लॉक के ऊपर हम महंगाई प्रदर्शन के लिए सब इकट्ठे हों। आज जितनी भी महंगाई बढ़ी हुई है उसके लिए हम सारे कांग्रेस जन जिले के इकट्ठे होकर के यहाँ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग हमेशा ही है, लेकिन ये लगता नहीं है कि सरकार, क्योंकि ये सरकार जो है ये हम इसको सरकार नहीं कह सकते, इसको 2 आदमी चला रहे हैं, अडानी और अंबानी, तो वो रेट क्यों कम करेंगे? उनको तो पैसा चाहिए, लेकिन हम किसी भी हद तक लोगों की जेब कटने नहीं देंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि रेट कम से कम आए और कानून व्यवस्था जो है और भी जो आज ये सरकार हर चीज़ के ऊपर तोलने पर लगी हुई है, हम उसके लिए संघर्ष जनता के लिए करते रहेंगे।